मेरा क्वेश्चन मैम उस्मा से है. हमें ये पता है वुमेन राइट्स हैं, लेकिन हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे पास क्या क्या वुमेन राइट्स मौजूद हैं. और अगर हम चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले इस बारे में, तो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मैडम, इसमें एक सवाल और मेरा भी ऐड कर दें. ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये हाउस होल्ड वर्ड है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ये कॉम्प्रोमाइज का वर्ड आगे जाके तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा नेगेटिव हो जाता है कॉम्प्रोमाइज का वर्ड. ये कॉम्प्रोमाइज क्या समझती हैं आप इसको? ये तो बड़ा तकलीफ दे होता है, इसके बारे में आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल. मैं पहले एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि बेसिकली बींग इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करता है और जेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स को फोकस करता है. ये जो जेंडर इक्वालिटी का एक मैं समझती हूँ कि एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी से हमारी क्या मुराद है. हम समझते हैं कि या पूरे ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि आदमी की भी इम्पोर्टेंस है, औरत की भी इम्पोर्टेंस है, और वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं एक सोसाइटी के. उन दोनों की कंट्रीब्यूशन के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है. ये कोई मुकाबलेबाजी वाली बात नहीं है. लेकिन जब हम दोनों की लाइफ देखते हैं, दोनों की स्ट्रगल देखते हैं, तो ख्वातीन को अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. जहाँ तक आपकी बात है कि हम जो कॉम्प्रोमाइज़ का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो लफ्ज़ है ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी वर्कफोर्स में जाते हैं और आपसे कुछ ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जो आपके मॉरल एथिक्स में और आपके उसमें नहीं आती हैं, तो उसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो आप चीज़ जो है उसको डिस्करेज करें. ये एकदम नहीं हो जाता कि आप सकते हैं. ये बड़ा देखा गया है. मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि बेसिकली एक वर्ड है असर्टिवनेस. ठीक है, ये एकदम नहीं आ जाती, एकदम पर्सनालिटी में शामिल नहीं हो जाती है. ये चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होती हैं कि आप किस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं. बहुत से रवैये जो हैं वो सोसाइटी में नॉर्मल कंसिडर कर लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मर्द गुस्सा कर रहा है तो दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. ठीक है, जो हम कहते हैं कि दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, उसको आपको एड्रेस करना चाहिए. उसको अगर एक जो मर्द हजरात हैं वो सोसाइटी में वो भी बहुत प्रेशर का शिकार. मैं इसको थोड़ा सा सवाल को आप सबके लिए सवाल है, क्योंकि मैं कुछ अरसे से इस शो करने के पीछे ये सवाल था. जो एक दोस्त है मेरी, वो कह रही है कि मुझे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मैं इस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकती. कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है, वो कहती इसके बगैर मैं तरक्की नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अब वो कॉम्प्रोमाइज़ उनसे है, उसको अपनी मर्जी भी शामिल करनी पड़ेगी, हालांकि वो नहीं चाहती, क्योंकि उसके सामने दो चीज़ें हैं, या तो करियर अपना ले, वो करियर के अंदर अचीव कर जाए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना पड़ेगा, या तो वो घर बैठ जाए, सारा कुछ छोड़ दे और असर्ट कर दे और अपने सारे कुछ सब चीज़ें छोड़ दे. ये जो हमने खुदा बनाए हुए हैं छोटे छोटे हर फील्ड के अंदर जो हमारी तकदीर को मालिक बन के बैठ जाते हैं, इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? मैं बारी बारी सबसे पूछ लेता हूँ. मैम, आपसे शुरू करते हैं, इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं जो छोटे छोटे बुत और खुदा हम खड़े कर देते हैं कि ये बंदा मेरी तकदीर का फैसला करेगा और वो कहता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फिर तुम्हारी तकदीर बेहतर हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड चैलेंज. ये आपको लाइफ में चैलेंज मिलता है, जिसको आपने जो है अब यहाँ पर आपका ब्रेन काम करता है और आपने उस चैलेंज को देखना होता है कि आपने उससे किस तरह निकलना है और किस तरह आपने अचीव करना है. बेसिकली वो चैलेंज जो होता है वो आपको डिप्रेस नहीं कर रहा होता, वो आपको ऑन द अदर हैंड बूस्ट कर रहा होता है. अब दिस इज़ ओनली द विजन कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं और कैसे देखते हैं. लाइक आपने जैसे अभी मिसाल दी कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही देख रही हैं कि इतने स्नैरियो में ही देख रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मुझे इस बंदे से करना पड़ा, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि इसके इर्द गिर्द जो उनको बूस्ट मिल रहा है वो सिर्फ उस पर अपना फोकस्ड कर लें तो वो इस चैलेंज से खुद ही निकल जाएंगी, और बल्कि वो बहुत बेहतर सिचुएशन में निकल जाएंगे कि उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं इस कॉम्प्रोमाइज़ को रिवर्ट भी कर सकती थी, रादर देन कि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ उसको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. जिस तरह उन्होंने कहा ना कि चैलेंज है, नो डाउट कि ये सिस्टम का एक पार्ट है. जो आपने कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि कुछ सिस्टम में जो फ्लॉज हैं जहाँ पे पोजीशन को पावर को एक्सरसाइज किया जाता है फॉर नेगेटिव पर्पसेस. मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा हम वर्कफोर्स में ख्वातीन को देखेंगे उनका नंबर बढ़ेगा, उनकी प्रेजेंस नज़र आएगी, उतना ज़्यादा हम इन रवैयों को और इन एटीट्यूड्स को निगेट कर सकते हैं, उनको डिस्करेज कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है मैडम.
बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे ही हालात बेहतर होंगे और तब्दीली आ भी रही है, हम देख रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं। मैडम, इनको इन चीजों को हटाया कैसे जा सकता है? बहुत सारी लड़कियां इससे जूझ रही हैं आज भी। जी जी, मैंने जैसे कहा ना कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी हो सकती है जैसे जैसे नंबर खवातीन का बढ़ेगा वर्क फोर्स के अंदर और खासतौर पर जैसे जैसे वो सीनियर पोजिशन पे आएंगी और चूंकि उन्होंने उस फेज से वो गुजरी हुई है जहाँ पे उनको ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो वैसे वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बेहतरी आएंगी। और हर किस कंप्रोमाइज़ अपनी वैल्यूज़ के ऊपर नहीं करना चाहिए जी, आवाज़ अपनी रेज करनी चाहिए और जाहिर है कि अगर हर कोई कंप्रोमाइज़ करता रहेगा तो कैसे बेहतरी आएगी, जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो तभी बेहतरी की सूरत आती है। और मैं तो ये भी समझती हूँ कि अक्सर ये है कि वो जैसे होता है ना कि जुल्म करने वाले में जहाँ पर जालिम का हाथ होता है वहाँ पर मज़लूम का भी हाथ होता है क्योंकि वो जुल्म सह रहा होता है। जब आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इस तरह से आप उसको इनकरेज कर रहे हैं दूसरे बंदे को कि वो अपने गलत रवैये को कंटिन्यू रखे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो ना सिर्फ ये कि आप अपने लिए बेहतरी करते हैं, अपने जैसे बाकी आपके बाद आने वाली जो खवातीन हैं उनके लिए आप सदका जारिया का सबब बनते हैं, बल्कि उस शख्स के लिए भी आप नेकी का सिला बनते हैं क्योंकि वो डिस्करेज होगा और वो आइंदा उस गलत हरकत या उस गुनाह से बच जाएगा। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारी फील्ड को वैसे भी बुरा कहा जाता है, शुरू में तो लड़कियां बहुत मुश्किल से आती थीं, आप इस फील्ड में आ गईं। ये जो छोटे छोटे खुदाओं की मैंने बात की है क्योंकि हम आप सेम फील्ड से हैं, ये होते हैं हमारी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको आगे नहीं लेके आया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। इन छोटे छोटे बुतों से कैसे लड़ी और इनको कैसे तोड़ा आपने? देखें, सबसे पहले ये किसी एक फील्ड की बात नहीं है, किसी एक जगह की बात नहीं है। फॉर मी, हमें सोसाइटी के डीप रूटेड प्रॉब्लम्स तक जाना पड़ेगा। यहाँ दो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, जेंडर सेंसिटाइजेशन और कॉम्प्रोमाइज। ख्वातीन को लेकर ही क्यों ये जहन में आते हैं, ख्वातीन को ही इन लफ्ज़ों के साथ क्यों अटैच होना पड़ रहा है? सोसाइटी का हर डिपार्टमेंट या हर प्रोफेशन सोसाइटी से निकल रहा है। जितनी करप्शन, जितने प्रॉब्लम सोसाइटी में है उसी हिसाब से आपको सियासी जमातों में, आपको मीडिया में, आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर जगह दिखेंगे। हैंडल कैसे होगा? आज इदारों में बैठ के, तालीमी इदारों में ख्वातीन सवाल कर रही हैं, ऐसे इशूज़ को डिस्कस कर रही हैं, तो तब्दीली तो आ रही है, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं कितने लोग परसू करते हैं और फिर हेड ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी तादाद बहुत कम हो जाती। कैसे होगा? बहुत आसान है। यहां से निकलने वाली अगर तमाम स्टूडेंट्स कल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करती हैं, अपने बेटों और भाइयों को ये बात सिखाती हैं कि किस तरीके से बराबर हैं, हमें क्यों आज बताना पड़ रहा है कि हम आपके बराबर हैं, हम बराबर पहले दिन से हैं, हमें किस तरह का माहौल या शऊर दिया गया ये अहम है। घरों में वालिद बेटियों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या भाई बहनों पर कॉन्फिडेंस रखते हैं? जब वहाँ से चीज़ों का आगाज़ होगा, वहाँ पर खातून को कॉम्प्रोमाइज़, माँ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, तो फिर किसी खातून को सोसाइटी में नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। बुत तोड़ने के लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। जैसे आयशा ने कहा, देखें हमारा मेजर प्रॉब्लम माइंडसेट का है, तो इन्होंने ये कहा, इससे मैं बिल्कुल जो है वो अग्री करती हूँ कि हमें जो मर्द हजरात हैं, जो बेटे हैं, हम बात तो बेटियों की परवरिश की करते हैं, बेटों की परवरिश की तो हम कभी बात ही नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेम ही वहाँ से करते हैं, हम ये प्रेशर ही लड़कियों पर डालते हैं। तो जहाँ आपने ये करना है, दूसरा मैं मेरा ये होगा कि ये बुत तोड़ने के लिए ख्वातीन को एक दूसरे के अंदर जो है एक दूसरे का सहारा बनना है। हम सबके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये ताकि कल को हमें ये कहते हैं ना इस तरह के फ्रेजेज, औरत ही औरत की दुश्मन है, ये मर्दों के बनाए हुए जो फ्रेजेज हैं, ये हमें बताना है कि ऐसा नहीं है। जिस दिन हम में से कोई हमें मौका मिले तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहली स्पेस ऑन द टेबल हम किसी डिजर्विंग खातून को भी दें जिसको पहले रोका जा रहा था। तो प्लीज़ अपनी सॉलिडारिटी, अपना बहन चारा, अपनी सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि अगर आप में से किसी एक के साथ ज्यादती हो रही है, दैट मीन्स कि हम सबके साथ ज्यादती हो रही है, और इसमें से हम तभी निकलेंगे अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जालिम मर्द को किसी औरत ने ही पैदा किया होगा ना, तो उस औरत को उसको जालिम बनाने से पहले सिखाना चाहिए कि बेटे जुल्म करना बुरी बात है।